नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, आयुर्वेद के माध्यम से लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाए, लेकिन जहां आयुर्वेद का इस्तेमाल अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी काया के लिए किया जाता है, वहीं खूबसूरत दिखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनके उपयोग से हम अपनी सुंदरता को और ज़्यादा अधिक बढ़ा सकते हैं। हमारे चेहरे पर कभी कभी कील मुहांसे निकल जाते हैं, कभी झाइयाँ पड़ जाती हैं, तो कभी ऐसी ऐसी परेशानियाँ हो जाती हैं कि लोग सालों साल दवाइयाँ खाते रहते हैं लेकिन उनकी सुंदरता वापस लौट कर नहीं आती। लेकिन आयुर्वेद एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके उपयोग से आप अपनी सुंदरता वापस पा सकते हैं, अपने चेहरे पर चार चांद लगा सकते हैं, अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और कैसे बढ़ा सकते हैं, आज ये सारी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे। और यही सब जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से उपस्थित हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेद आचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है, जो कि ये लगातार प्रयास करता है कि आप स्वस्थ रहें और लगातार काफी सारे लोगों को आज तक स्वस्थ भी करता आया है। तो यदि आप भी स्वस्थ होना चाहते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति करना चाहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से तंदुरुस्ती पाना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यदि आप परेशान हैं, आपके चेहरे पर पिंपल्स हो गए हैं, या फिर आप परेशान हैं ब्लैक से, या फिर मुहासे हो गए हैं चेहरे पर, या फिर झाइयां पड़ गई हैं, तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी है जहां पर लोगों की हर समस्या को देखते हुए अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों के हिसाब से, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। आप लोगों की सेहत का भी ख्याल रखते हैं, साथ ही साथ आज हम बात करेंगे लोगों की त्वचा की, क्योंकि यहां पर लोगों की हर जरूरत को ध्यान में रखा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, बल्कि हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन जब छोटा सा पिंपल भी चेहरे पर निकल जाता है तो चांद पर दाग की तरह माना जाता है। तो आपके आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके लोग अपनी खूबसूरती को वापस पा सकते हैं? रश्मि जी, सबसे पहले हमको यह देखना चाहिए कि किस कारण से हमारा चेहरा खराब हो रहा है। और चेहरा खराब होने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, और हमारा सोना रहना खाना पीना व्यवस्थित ना होना, वेगों को मारना, हम कभी कभी भूख लग रही है खा नहीं पाते, प्यास लग रही है पी नहीं पाते, या हम प्रॉपर लिक्विड डाइट पूरी नहीं लेते, पानी पूरा नहीं पीते, या छींक आ रही है रोक ली, डकार आ रही है रोक ली, आंसू आ रहे हैं रोक लिया, या हमको बहुत ज़्यादा कुछ दवाई ऐसी खाते हो जिनका असर हमारे चेहरे पे दिखता हो, या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, तो हमारा पाचक रस दूषित हो जाता है। उसके बाद हमारा चेहरा सबसे पहले खराब होने लगता है और अक्सर तनाव में इस प्रकार की बीमारी और तेज़ी से बढ़ती है। जो लोग मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, अक्सर यह दिक्कत उनको बहुत सताती है। हमारी फार्मेसी में दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इस प्रकार की समस्या का निदान करते हैं, उनमें से एक है केसर कांति। अक्सर लोग कहते हैं कि तू तो बिल्कुल केसर की तरह आप चमक रहे हैं, तो केसर केसरिया रंग होने के साथ साथ बहुत अच्छा हमारी त्वचा को, हमारे चेहरे को साफ करता है। इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कील मुहासो पर मलो केसर कांति रोज, मिटे हमेशा के लिए रहे ना बिल्कुल खोज। यदि हम हफ्ते में 2-3 बार केसर कांति का लेप प्रातःकाल या दिन में जब हमको समय लगे 15-20 मिनट के लिए उसको लगाएं, दूध में, शहद में, पानी में, गुलाब जल में, केवड़े के अर्क में, किसी भी चीज़ में मिला करके उसको प्रातःकाल हम लगाते रहें और उसके बाद चेहरा इसको साफ कर लें, धीरे धीरे हमारा चेहरा झाइयों से दूर होता है, कुछ निशान पड़े हों वह भी दूर होते हैं, और हमारे चेहरे की जो त्वचा है बेबी स्किन की तरह बनती है, ग्लो लाती है और उसमें अलग ही चमक निखार आता है।
जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि आजकल हर महिला कामकाजी है, घर के साथ साथ बाहर भी काम करती है, टू व्हीलर से सफ़र करती है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण या फिर धूल मिट्टी लगने के कारण उनका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं भी अपनी माताओं बहनों को यही कहना चाहूँगी, यदि आप भी खूबसूरत रहना चाहती हैं, सुंदर दिखना चाहती हैं, तो ज़रूर मंगाएँ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श केसर कांति। इसके उपयोग से आपकी त्वचा ज़रूर निखर जाएगी, पॉल्यूशन से यदि आपकी स्किन कहीं से डैमेज हो गई है तो वे ठीक हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है प्रदूषण के कारण स्किन के जो सेल्स होते हैं वे भी डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। तो आप भी इसका उपयोग कर सकती हैं और खूबसूरत दिख सकती हैं। इसको बहुत आसानी से आप मंगवा सकती हैं Amazon, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से। साथ ही पेमेंट भी बहुत ईजीली आप कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। मेरा नाम बबीता है। जी बबीता जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। जी वैद्य जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। जी नमस्कार वैद्य। नमस्कार। मेरी प्रॉब्लम है कि अभी छह महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई है जी, जिसकी वजह से मेरे फेस पे थोड़ी झाइयां हो गई है जी। हाँ जी, तो मैं जानना चाहती थी कि मैं इसके लिए क्या करूं, कौन सी दवाई है आयुर्वेदिक। चलो इसका मैं बताता हूं, आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है बीपी या शुगर की, थायराइड की? नहीं नहीं सर, नहीं सर। पेट साफ रहता है? जी जी बिल्कुल ठीक। बहन जी, अक्सर डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजिंग बहुत तेजी से होती है, और हार्मोन्स जब बहुत ज़्यादा तेज चेंजिंग हो जाए तब इस प्रकार की दिक्कत सताती है, स्ट्रेच मार्क हो या चेहरा बहुत डल होना, कमजोरी महसूस होना। इन सब के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप मोरिंगा हरिद्रा घनवटी, इसकी दो दो गोली दिन में दो बार सेवन करें। यदि आपको थोड़ा तनाव रहता हो काम के कारण, बच्चे की कारण नींद पूरी ना हो पाती हो, तो आप रिलैक्सिंग टी का सेवन करें। अदरवाइज एनर्जेटिक टी आप सेवन करें, आपकी कमजोरी इससे दूर होगी। साथ में केसर कांति लेप आप प्रातःकाल और रात्रि में सुंदर बहार तेल इसको लगाएं। केसर कांति दूध में, शहद में, पानी में, केवड़े के अर्क में, गुलाब जल में, किसी भी चीज़ में आप मिला करके चेहरे पर लगाएं, 10-15 मिनट बाद चेहरा साफ कर लें। और रात्रि में चेहरा साफ करने के बाद सुंदर बहार तेल की 8-10 बूंद, जितना आपके चेहरे के लिए सफिशियंट हो उसको लेकर हल्के हाथ से चेहरे पर मलें, 1-2 मिनट मालिश करें और उसके बाद सो जाएं। और सुबह इसको साफ करके प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन आप केसर कांति लेप प्रयोग में लें, और सुंदर बहार तेल इसको प्रतिदिन रात्रि में सेवन करें। आपके चेहरे की त्वचा रूखी हो या बहुत तैलीय हो, सब में इसका लाभ आपको दिखाई देगा और धीरे धीरे चेहरे पर ग्लो आएगा। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इनको दी। तो वैद्य जी, हम बात कर रहे थे आपके आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनकी हर महिला को आवश्यकता होती है, हर लड़की को आवश्यकता होती है, खूबसूरत हर कोई दिखना चाहता है। क्योंकि अभी आपने कहा सुंदर बहार तेल, इसके बारे में मैं आपसे जानना भी चाहती थी। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सुंदर बहार तेल है इसकी क्या विशेषताएँ हैं, किन किन चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। रश्मि जी, सुंदर बहार तेल, इसमें कई जड़ी बूटी हैं जिनमें से एक केसर भी है, और केसर के अंदर हमारे एंटी एजिंग गुण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और साथ में तिल का तेल, इन सबको पका करके तिल के तेल में सिद्ध किया जाता है। तिल का तेल बहुत अच्छा हमारी चेहरे के लिए, मैं कह सकता हूँ कि ये खुश्की तो दूर करता ही है और हमारे चेहरे को मॉइस्चराइजर का काम करता है और चमक लाता है। साथ में इसके अंदर है सरसों, पीली सरसों, ये त्वचा को हल्का करता है और साथ ही साथ हमारे चेहरे पर दाग धब्बे हों उनको भी दूर करता है। साथ में मजीठ, हमारे चेहरे पर कोई निशान बने हुए हों, मजीठ उन निशान को, चकते को दूर करता है, खुजली शरीर में आती हो उसको दूर करता है, वैसे बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर भी है। साथ में चिरौंजी, जो हमारे चेहरे की कोशिकाएँ नष्ट हो रही हों या मृत हो गई हों या हल्की पड़ रही हों उनको ये दूर करता है। साथ ही साथ कपूर कचरी, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, और इन सब चीज़ों के कारण यदि हम तेल का प्रयोग रात्रि में प्रतिदिन करें, हमको इस तरह तेल का प्रयोग करना चाहिए उसके बाद किसी धूल या धुएँ के टच में ना आए,
तो आप रात भर लगा रहने दे, देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा, चेहरे की त्वचा जो है अलग ही हमारी निखरेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आजकल तो जरूरत भी है अपने चेहरे की त्वचा का बेहद ध्यान रखने की, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण हर एक दूसरी महिला को, हर एक दूसरी लड़की को ये प्रॉब्लम आ गई है कि फेस पर पिंपल निकल आते हैं या फिर पॉल्यूशन के कारण स्किन सेल्स डेड हो जाते हैं और बहुत कम उम्र में झाइयाँ भी निकल आती हैं। तो मैं ज़रूर सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप भी सुंदर बहार तेल मंगवा सकती हैं, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श सुंदर बहार तेल चमत्कार से कम नहीं है। यदि आप खूबसूरत दिखना चाहती हैं और आप चाहती हैं आपके चेहरे की निखार, आपके चेहरे की रंगत हमेशा बरकरार रहे, तो आप भी इसको मंगवा सकती हैं। कैसे? Amazon, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकती हैं। पेमेंट करने के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकती हैं। इसके साथ यदि आप लोग आदर्श केसर कांति फेस पैक का इस्तेमाल करती हैं तो आपकी त्वचा की रंगत बरकरार रहती है। कोई भी आपको अगर पॉल्यूशन से प्रॉब्लम फेस पर हो जाती है तो उससे भी आप बच जाती हैं। तो इसको ज़रूर मंगवा लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अन्य जानकारियों के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो अभी जाएं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn पर जाकर फॉलो कर लें और सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं। जी हेलो। हेलो, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए। जी दोबारा। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुरादाबाद। जी वैद्य जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। जी ये कि मेरी 4 महीने बाद शादी है और मेरे फेस पे ना काफी सारे पिंपल्स की मुहासों की शिकायत है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब शादी के टाइम पे इस तरीके की प्रॉब्लम, पूरा फेस खराब हो रखा है, तो मैं उसके लिए जानना चाहती हूँ कि 4 महीने बाद शादी तो इसमें ठीक हो जाएगी। आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। आपको बहुत कब्ज तो नहीं रहती या बहुत तनाव तो नहीं रखते आप? थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है, टेंशन चलती रहती है कुछ। अच्छा, पेट साफ रहता है? पेट साफ रहता है, कभी कभी एसिडिटी की दिक्कत होती है थोड़ी। ठीक, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी शादी के समय अभी 4 महीने का समय है, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी और आप किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपके चेहरे पे कहाँ झाइयाँ थी, कहाँ दाग धब्बे थे, कहाँ दाने थे। आप परेशान ना हो। आप दिन में 2 बार 2-2 गोली रक्त विकार नाशक की और 4-4 गोली त्रिफलागन की सेवन करें। यदि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो आप रिलैक्सिंग टी का सेवन करें, आपको धीरे धीरे तनाव दूर होगा, आपको लाभ मिलेगा। और चेहरे के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसके लिए मैं इतना कहूँगा, केसर कांति को लीजिए कच्चे दूध के संग, सोते समय लगाइए, निखरे मुख के रंग। आप केसर कांति प्रातःकाल कच्चे दूध के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे बाद अपना चेहरा साफ कर लें। धीरे धीरे आपका चेहरा दमकने लगेगा और रात्रि में आप अपना चेहरा साफ कर लें और साफ करने के बाद सुंदर बहार तेल 8-10 बूंद जितनी सफिशिएंट आपके चेहरे के लिए हो आप उसको लगाकर हल्के हाथ से मालिश करें। साथ ही साथ मैं इतना कहूँगा कि तनाव से आप बहुत बचें, क्योंकि तनाव जब भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है सबसे पहले हमारा मुँह ही दूसरे को ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत है। इसलिए आप तनाव से बहुत बचें। खट्टा, तला भुना, मिर्च मसाले इत्यादि का परहेज रखें। जितना आप हरी सब्जियां, सूप और पानी का सेवन करेंगे, खास तौर से आप खीरा ककड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लें, आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा दूर हो, इस प्रकार का ध्यान रखें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। 4 महीना तो बहुत दूर की बात है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको 1-2 महीने के अंदर बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो वैद्य जी, और भी जानकारियां हम आपसे प्राप्त करेंगे और ढेरों जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि वे अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। हमारे पापा जी के पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने बोला सीटी स्कैन के लिए बोला हमको, तो हमने सीटी स्कैन कराया। उस सीटी स्कैन कराने के बाद हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर लीवर में गांट आई है, ये कैंसर की है। और उसके लिए हमें एक रिपोर्ट के लिए बोला, FNAC रिपोर्ट के लिए, कि इस गांट का सैंपल लिया जाएगा और इससे पता चलेगा कि किस स्टेज पे है कैंसर। फिर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद फिर हम घर पर आ गए। फिर घर पर एक ऐसी ही लेडीज हमारे गाँव में थी,
जो कि कैंसर से पीड़ित थी वे अब सही है। उन्होंने हमें सलाह दी कि मैं सही हुई, डॉक्टर दीपक कुमार वैद्य जी है कनखल में, हरिद्वार में, वहाँ पे चले जाओ आप। और वहाँ से मैं सही हो चुकी हूँ। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, हम 20 दिन की दवा लेके गए यहाँ से, तो हमें बहुत आराम मिला, पापा जी को बहुत आराम मिला, जिससे जो कि पहले गांठ थी 92x38, अब वो गांठ है 32x28। तो इसके लिए हमें कुछ आशा जगी है कि हमारे पापा सही हो जाएंगे। तो फिर हम दोबारा से दवाई लेने के लिए आए, तो डॉक्टर ने बोला कि ये सही हो जाएगी, आप लेकर जाओ दवाई, कंटिन्यू रखना, छोड़ना मत, ठीक है। तो इसके लिए हम डॉक्टर दीपक कुमार जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो वैद्य जी ये पवन कुमार जी थे मुजफ्फरनगर यूपी से। इनका कहना है कि इनके पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इनके लीवर में गांठ थी, कहीं और इलाज करवाने गए तो यहाँ तक कि डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि इनके पेट में कैंसर है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ये आपके पास आए तो आपने इनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया और किस तरीके से ये स्वस्थ हुए, हम आपसे जानना चाहेंगे। रश्मि जी, कैंसर एक ऐसा नाम है जो आदमी को तन से, मन से और धन से, तीनों से बहुत बुरी तरह तोड़ता है। जब इनके यहाँ ये पता लगा कि गांठ कैंसर की है तो बहुत ज़्यादा ये परेशान हुए, और इतने परेशान हुए कि इन्होंने खाना पीना तक बहुत कम हो गया था, क्योंकि इस बीमारी में आदमी ये सोचता है कि मौत के सिवा इसका कोई आंसर नहीं है। और आयुर्वेद में इस तरह की बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है, सफल इलाज है। बस शर्त यह है कि जो उसमें दवा चल रही है वो अच्छी हो, बिल्कुल उच्च क्वालिटी की हो, और जो भस्म हम यूज़ करते हैं बिल्कुल इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हूँ। क्योंकि यदि भस्म कच्ची रह जाए तो नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इस प्रकार की बीमारी में हम दो दवाई मुख्यतः स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म और मेदनाशक गोधन वटी, मैं इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ और भगवान के आशीर्वाद से बहुत लाभ मिलता है। मैंने इनको स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म के साथ किलोय सत्व इत्यादि दिया, साथ में कांच नार गुग्गुल, मेदनाशक गोधनवटी इत्यादि इनको सेवन के लिए दी। इन्होंने दवा का सेवन किया और जब ये मेरे पास आए थी, इनकी गांठ का साइज था 92x38 काफ़ी बड़ी गांठ थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से जब 20 दिन की इन्होंने दवाई का सेवन किया, अल्ट्रासाउंड दोबारा करा के आए, वह गांठ निकली मुश्किल से 32x28। बहुत ज़्यादा अंतर इनको मिला, और जब अंतर मिला तो इनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ साथ संतुष्टि भी महसूस हुई। तो जब आदमी को ये लगता है कि अब मौत तेरी आ रही थी, वो थोड़ा टल गई या दूर हो गई, तो उससे अच्छा आत्मविश्वास या खुशी उसको कभी महसूस नहीं हो सकती। और जब इनको अपनी रिपोर्ट देखने के बाद प्रसन्नता व्यक्त की मेरे पास आए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो खुशी इनको महसूस हुई थी, मुझे भी बहुत खुशी महसूस हुई। और इस तरह की बीमारी जो बहुत ही दुसाध्य बीमारी है, कैंसर का नाम ही शरीर के अंदर सेहरन ले लेता है, इनको बहुत लाभ मिला और भगवान के आशीर्वाद से ये काफ़ी हद तक संतुष्ट के साथ साथ स्वस्थ भी हैं। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से ये स्वस्थ हुए और आपने इनको स्वस्थ भी किया। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जब लोग बहुत सारी जगह चले जाते हैं, हार जाते हैं, तो उनको एक ही रास्ता नज़र आता है, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। क्योंकि यहाँ आने के बाद वह निरोगी काया की प्राप्ति कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और भरोसा जुड़ा हुआ है लोगों का। क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है, तो लोगों का भरोसा बहुत जुड़ा हुआ है यहाँ से, और यहाँ आने के बाद उनकी जो निराशा होती है वह आशा में जरूर बदल जाती है। तो वैद्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आदर्श केसर कांति फेस पैक है, इतना गुणकारी है, आखिरकार इसमें कैसी औषधियों का इस्तेमाल किया गया है? रश्मि जी, हम अपने फार्मेसी में ताजी जड़ी बूटी ही प्रयोग में लेते हैं, और जड़ी बूटियों के अंदर गंगा माँ गंगा के जो अमृत तुल्य गुण है उनका समावेश होता है, तो लाभ और ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर कुछ जड़ी बूटी ऐसी हैं जैसे कि केसर। केसर मुख्यतः तीन जगह की है, कश्मीर की, स्पेन की और ईरान की। बहुत से लोग ईरानी केसर ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं, लेकिन मेरे अनुभव से वह इतना कार्य अच्छा नहीं करती। और केसर में केसर मुझे सबसे अच्छी लगती है कश्मीर की, जिसके गुण बहुत अच्छे हैं। बाहर बाज़ार में मिलावटी केसर भी काफ़ी मिलती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। हमको अच्छी किस्म की केसर ही प्रयोग करनी चाहिए, और केसर के अंदर एंटी एजिंग गुण है और साथ ही साथ हमारी त्वचा को क्लीन करता है,
और चेहरे पे ग्लो लाता है। दूसरा इसके अंदर है गुलाब। गुलाब के फूल हमारे चेहरे को अलग से चमकाते ही हैं, साथ ही साथ खुशबूदार बहुत होते हैं, हमारा चेहरे का कम्प्लेक्शन दूर करते हैं। हल्दी से आरोग्य लाभ जल्दी, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक, चेहरे के लिए ग्लो लाने वाली और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर हल्दी। बाजार में हल्दी कलर चढ़ी हुई बहुत मिलती है, लेकिन हमको ऐसी हल्दी से बचना चाहिए। दूसरा दारू हल्दी, ये जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर असर डालता है तो उसके असर को दूर करने के लिए दारू हल्दी बहुत अच्छी है। लोद्र पठानी, ये डिजीज फ्री स्किन हमारी बनाती है, चेहरे की झाइयाँ दूर करती है। नीम के गुण असीम, नीम बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, साथ ही साथ सैनिटाइजर में आज की डेट में बहुत अच्छा इसको प्रयोग में देखा जा रहा है और यह सैनिटाइजर का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, साथ ही साथ खड़िया मिट्टी, जो हमारे चेहरे पर पसीना आता है, पसीने के कारण कुछ हमारी बीमारियाँ डेवलप होने लगती हैं, उनको दूर करने के लिए खड़िया मिट्टी बहुत अच्छी है। और शरीर में किसी के चेहरे पे आपने देखा होगा बहुत पसीना और तेल भी निकलता है, ऐसे लोगों के लिए, तैलीय त्वचा के लिए खड़िया मिट्टी बहुत अच्छी है। मसूर, और अक्सर मसूर हमारे चेहरे के लिए बहुत अमृत तुल्य है, लोग इसको प्रयोग में करते हैं, हमारे चेहरे पर पैच हों या ब्लेमिशेस हों, ग्रो हमारे चेहरे की ये बढ़ाते हैं। और इसके लिए कहा भी है, पीसो नींबू स्वरस में लेकर दाल मसूर, लेप करो नित पीस कर होए मुहासे दूर। तो लोग पुराने बहुत ज़्यादा इसको जो है यूज़ करते थे, मसूर की दाल को। मजीठ, ये हमारी त्वचा की पीएच वैल्यू मेंटेन रखता है, हमारे शरीर के अंदर जो त्वचागत रोग हों उनको दूर करने के लिए मंजीठ अमृत तुल्य है। साथ ही साथ कपूर, हमारे चेहरे की त्वचा को क्लीन रखता है और सैनिटाइज का काम करता है। मिंट, जिसको पीपरमिंट भी कहते हैं, सतपुदीना भी कहते हैं, हमारी स्किन को साफ रखने के लिए, ग्लो लाने के लिए, ठंडक पहुँचाने के लिए, गर्मी का असर दूर करने के लिए पीपरमेंट बहुत अच्छा है। और मौसमी के छिलके, मौसमी ये विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी हमारे चेहरे की त्वचा को निखारता है और हमारे चेहरे की जो स्किन डेड हो जाती है उसको दूर करने के लिए यह मौसमी बहुत अच्छी है। एलोवा, जिसको मुसब्बर भी कहते हैं, घी कुआर का सत भी है, इसको एलोवेरा भी कहते हैं। और आपने देखा होगा लोग एलोवेरा भी काफ़ी चेहरे पर वैसे लगा के रगड़ते हैं तो उनके चेहरे की त्वचा दमकने लगती है। और चिरौंजी, ये बहुत अच्छी लुब्रिकेंट है स्किन के लिए। और एक विटामिन ए से भरपूर गाजर, लाल गाजर हम इसमें सुखा करके प्रयोग करते हैं जिसके कारण हमारी स्किन हेल्दी बनती है। इन सब के कम्बिनेशन से हमारा चेहरा अलग ही बनता है, दमकता है और हमारे चेहरे का वर्ण निखर के आता है, तब ये बनता है केसर कांति। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि केसर इसका मुख्य घटक होने के कारण हमारे चेहरे का ग्लो, हम भीड़ में अलग ही चमकने लगते हैं और इसका असर बहुत जल्दी 5 से 7 दिन के अंदर ही चेहरे पर दिखने लगता है। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से ये गुणकारी है और कौन सी जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों की खूबसूरती बरकरार रहे। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं आप इनको मंगवा सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेजन इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से अभी जाएं, इसको ऑर्डर कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को इसकी जरूरत जरूर है, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर किसी को कोई ना कोई समस्या है और खूबसूरत तो हर कोई दिखना चाहता है। तो इसको फटाफट से ऑर्डर कर लें, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पेमेंट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से और अमेजन इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, समय हो चला है आपके प्यारे से दोहे का। रश्मि जी, केसर कांति के अंदर भी केसर है और सुंदर भार तेल के अंदर भी केसर है। केसर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर है, तो इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग इनको प्रयोग करते हैं, बिजली के करंट की भांति बहुत तेज़ी से
हमारे शरीर पे इसका असर दिखने लगता है। कील मुहासो परम लो, रोज तेल सुंदर बहार, ओज शक्ति बढ़ जाए, सुंदरता से हो प्यार। यदि हम सुंदर बहार तेल अपने चेहरे पे मलें, साथ ही साथ केसर कांति का भी प्रयोग करें, तो हमारे चेहरे की ओज शक्ति तो बढ़ती ही है, सुंदरता से भी प्यार होने लगता है। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, अपना कीमती समय दिया। खासकर जिन महिलाओं की ये शिकायत है कि उनके फेस पर पिंपल हैं या सुंदर नहीं दिख पाती हैं, झाइयों से परेशान हैं, उनके लिए आज आपने बहुत आसान कर दिया ये काम कि किस तरीके से वे सुंदर दिख सकती हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों उम्मीद करती हूँ अब तक तो आप सबने इसको ऑर्डर कर लिया होगा और ये जल्द से जल्द आपके पास पहुंच भी जाएगा, तो आप तैयारी कर लीजिए, अब आप बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले हैं। और जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया है तो अभी जाकर इसको ऑर्डर कर लें। अन्य जानकारियों के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। लेकिन अगर अभी तक आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जाकर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।